that happened within the last few से अगर किसी को भी लगता है कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, किसी के भी जहन में कोई सवाल है, तो अभी यहाँ से वापस जा सकता है। उसके बाद वापसी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। मेरी नज़र में हम कुछ गलत नहीं कर सकते, किसी ने तो करना था। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो बस लेकिन इतना पैसा लेके हम बाहर कैसे जाएंगे? बाहर जाएगा कौन? Best of luck. देखिए, हमारा मकसद आप लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम उस वक्त तक आपको कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप हमारे मकसद में आने की कोशिश नहीं करेंगे। Is that clear? हम यहाँ सिर्फ स्विस बैंक इस वजह से आए हैं कि हम अपनी कौम के पैसे वापस ले जाना चाहते हैं। मैं जान सकता हूँ कि मैनेजर कौन है यहाँ पे? चलो। Waalaikumsalam. My name is Sasha Kuznovetsky. Good to see you here, sir. Yeah. I can assist you in Geneva. Yeah. What sort of help do you want, sir? किस किस्म की मदद चाहिए आपको? हम यहाँ पर बैंक लूटने आए हैं. Okay. आप हमारे टोकन मशीन से टोकन ले लें. उसके बाद we can. Sir, we. Oops. Sorry. सर, आपको मेरे लिए काम करना होगा. Oh yeah, sure. मीडिया को फोन करें. हमें किसी सहाफी से बात करनी है, नो क्रेडिबल आदमी। हेलो, चैनल 9 न्यूज़। या दिस इज साशा कुज़नोव्स्की फ्रॉम बैंक स्विट्जरलैंड।
या हमारे बैंक में कुछ लोग आए हैं बैंक लूटने और वो किसी क्रेडिबल सहाफ़ी से बात करना चाहते हैं. वो अपनी कौम का लूटा हुआ पैसा वापस अपने मुल्क ले जाना चाहते हैं. और यहाँ हम आपको देंगे एक ब्रेकिंग न्यूज. इत्तला के मुताबिक स्विट्जरलैंड के एक बैंक में जंग नामालूम मुसल्ला अफराद ने घुसकर डकैती की कोशिश की है. जी इस वक्त हम स्विस बैंक के बाहर मौजूद हैं. हम आपको बताते चलें कि इस वक्त पता चला है अब तक की ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक अंदर कुछ नौजवानों ने अंदर करीब 300 से 350 लोगों को यरगवाल बना लिया है. और अंदर मौजूद लोगों की जो डिमांड है वो बड़ी अनोखी है, वो बड़ी अछूती है. इस बैंक रॉबरी को तारीख की अनोखी बैंक रॉबरी कहा जा रहा है. कहा ये जा रहा है कि वो चाहते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको हेलीकॉप्टर्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो कोई एक ऐसा जर्नलिस्ट पाकिस्तान से आए जो अंदर जाकर उनसे मुजाकरात करे और जिसको वो बताएंगे कि उनकी डिमांड आखिर हैं तो हैं क्या. आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि चंद नामालूम मुसल्ला अफराद ने स्विट्जरलैंड के बैंक में घुसकर डकैती की कोशिश की है. मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए. खालिद भट साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया. लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपके साथ दो नौजवान डकैत हैं उनकी नीयत पे शक यहाँ पे लाजमी हो चुका है. क्या आप ये समझते हैं कि आप जो है वो उनकी नीयत पे शक आपको नहीं है और वो आपका भरपूर साथ देंगे. मीर साहब हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता माय इंटेंशंस पे शक करने का. मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे मुझे पता कराना था कि क्या तुम्हारी नियत में खोट है कि नहीं है. बहरहाल मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि तुम एक सच्चे पाकिस्तानी हो और तुम यहाँ पे अच्छी नियत के साथ यहाँ पे आए हो. बहरहाल मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके अलावा कराची जर्नलिस्ट यूनियन जो है, उसके अलावा लाहौर में जो जर्नलिस्ट की यूनियन है, उन तमाम यूनियन की तरफ से दमादम मस्त कलंदर होगा. इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से हम निकलवाएंगे. मेरी तरफ से यह आपके लिए वादा है. मीडिया के अलावा हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शमूलियत का मौका दिया. इंशाल्लाह ताला वल खैर अगर आप लोग खैर खरीद से वापस आ गए तो कैपिटल टॉक में आपसे मुलाकात होगी. हम ये चाहते हैं कि सिर्फ आप हमारा मैसेज आवाम तक पहुँचा दें, हम कोई गलत काम करने नहीं आए. चलो हामिद मीर गए हैं पाकिस्तान से और बाहर आकर उन्होंने जो अब तक की इत्तला बताई हैं हमें, उन्होंने जो बताया है वो आपके लिए और हमारे लिए बहुत दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अंदर आपके और हमारे सबके जाने पहचाने एंकर और जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर बट. अपने दो साथियों के साथ वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो उन्हीं की तरह अछूती और अनोखी डिमांड्स हैं. उनका कहना ये है कि हमें अंदर पड़े पैसे से कोई सरोकार नहीं है. उनको अगर चाहिए तो वो पैसा जो पाकिस्तानी हुक्मरानों का, सियासतदानों का अंदर पड़ा है, और वो चाहते हैं कि वो सारा पैसा स्विस बैंक से निकाल कर पाकिस्तान में ले जाए और जहां पर वो पैसा पाकिस्तानी अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जा सके, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके. अब इत्तला ये है कि इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है. जी हां, इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है. फैसला बाबर इस सब क्या हो रहा है, तुम तमाम सियासी जमातों के कायदीन से रबते में रहो और स्विस इंतजामिया से भी, और मुझे पल पल की खबर देते रहो, पल पल की. हाँ, आई गॉट द GPS मैप्स एंड द फोन कॉल टैब, डोंट वरी. गुड, ओके. हेलो, हमें आपसे बात करने के लिए मौलाना साहब को भेजना चाहती हूँ.
मौलाना। अबे सैलरी वैलरी का क्या सीन है तेरा? अबे भाई 3 महीने से इतनी ख्वारी हो रही है, सैलरी नहीं मिली यार, बहुत ख्वारी चल रही है। अच्छा छोड़ यार, तुझे पता है रहमान मलिक आ रहा? आ रहा और क्या भाई। जी जी जी, अबे रोल करना। हाँ जी जी, आपको बताते चले कि अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज हमें मिली है कि रहमान मलिक साहब यहाँ पर उन लड़कों से मुजाकरात करने आ रहे हैं, मिस्टर बट से, और दो जो उनके साथ ही स्विस मैक में मौजूद हैं। सुबह से हम आपको हर बात फौरन से पेशतर बता रहे हैं, हर ब्रेकिंग न्यूज आपको BNN पर बता रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि रहमान मलिक पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इन लड़कों से मुजाकरात करने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप पल पल की खबर चाहते हैं कि स्विस बैंक के अंदर क्या चल रहा है। गुड आइडिया, यू आर वेरी नोबल। वेल जेंटलमैन, आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं इसका मकसद ये है कि वो पैसा जो कुम का पैसा है वो इसके अंदर है और वो इंशाल्लाह महफूज हाथों में, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये खालिद भट्ट जैसे लोग जो हैं ये अपना गैंग वोंग बना कर जो है इस तरह से महल निकल आते हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। रहमान मलिक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा, माहौल खराब हो सकता है। बेहतर यह है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर यह है कि तुम पैसे लेकर। वो क्या मौलाना साहब, बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ कोई डील करने तो आए नहीं है। मैं तो जैसे यहाँ पर ही कोई डील देने आया हूँ। ये मजाक चल रहा है यहाँ पे? देखो बरखुरदार, ये जो हथियार है ना मेरे पास, ये ना सिर्फ मुझे रखना आता है बल्कि मुझे चलाना भी आता है। मौलाना, अगर तुझे चलाना आता है तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। गलत टाइम पे गलत मिसाल। तो यहाँ लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं, खून खराबे की, गोलियों की बातें हो रही है, चूड़ियों की बातें लेकर आ गया पागल। मौलाना, इससे पहले चला जा यहाँ से। देखो खालिद, बात यह है कि तुम एक सीजन जर्नलिस्ट हो, ठीक है? ये लोग हैं बच्चे, और ये जो रहमान मलिक है ना, इसका ये रिकॉर्ड है, एक भी शरीफ आदमी इससे बच कर नहीं गया। बेच लिया आपने मेरा मंजन? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, कब को प्लॉट पक्का है मौलाना साहब। कितना उसका? बाहर जाइए, बोलिए कौन की खिदमत किया, वजारत तो मिल जाएगी आपको। चला जा मौलाना, इससे पहले मैं चलाऊं। चौधरी साहब, आपसे ज़्यादा अच्छी मफाहमत इस पूरे मुल्क में कोई नहीं करवाता। अपने रोल प्ले कीजिए प्लीज़। आप फिक्र न करें, मैं सब देख लेता हूँ। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सदर इमरान खान यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद मिस्टर बट से मुजाकरात करें। खालिद बट एंड बच्चा पार्टी, और तुम लोग यूथ हो, यूथ, और यूथ को चाहिए होता है एक लीडर जो कि इस वक्त तुम सबके सामने खड़ा है। शाबाश, जल्दी से अपने अपने हथियार मेरे हवाले करो ताकि मैं पुलिस को बुला सकूं। ऐसा भी फैसला हमने बहुत सोच समझ के किया है, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखो, जहाँ तक फैसले की नीयत पर कोई शक नहीं, दैट्स ट्रू, नीयत बहुत अच्छी है, और लेकिन तरीकेकार गलत है। तरीकेकार बताएंगे तुम्हारे इमरान अंकल। अब बहुत देर हो चुकी है खान साहब। और देर हो गई है का बच्चा,
देर हो गए, तू मरने वाला है। अपने आप को देखो, पहचानो, और तुम लोग सारा जवान हो, हसीन हो, खूबसूरत हो तुम लोग। I'm so sorry, मैंने आप सबको खूबसूरत कह दिया। ओ खूबसूरत था तेरा भाई, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां, अंत बचियां। ऑटोग्राफ आ गए पीछे इधर उधर सब जगह। सर एक बात बोलो जी, अगर आप बुरा ना माने एक ऑटोग्राफ देना। अरे क्यों नहीं, अरे हाथ से आइए पीछे, क्या हो रहा है पीछे, अपनी जगह पे कोई नहीं लेगा। अभी थोड़ी देर, बट मेरा ऑटोग्राफ मैं दे रहा हूँ। खालिद भट्ट देखिए, बात सुनिए खालिद भट्ट, ये इस वक्त इन सब ने जो ऑटोग्राफ लिया, ये एक वाइड निशानी है कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। फेसबुक पे आपका पेज लाइक करूंगा, जरूर करना, और आपको मैं वोट भी दूंगा। सर आप जा सकते हैं। खान साहब, खान साहब आपके जाने का टाइम हो चुका। हम तो देखो जो आया उससे एक ना एक दिन वापस जाना है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है मेरे ख्याल से। रुको, रैलियां करो जाके, तुम रैलियां करो, इतने बंदे मेरे पास होते हैं, मनवाज शरीफ को ला दा। एक मिनट रुको, बतवा देंगे तुम। ओए खालिद, अल्लाह करे तेरे ऊपर बिजली गिरे, चल इसको डांट टूटेंगे, तरीक इंसाफ छाएगी इंशाल्लाह। इसके पास ऑटोग्राफ, इधर दो मुझे, इधर दो जी। इमरान खान नाकाम हो गए मिस्टर भट्ट को मनाने में। मिस्टर भट्ट का इसरार है कि ये पैसा जो स्विस बैंक में है इसे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस पे सिर्फ पाकिस्तानी कौम का हक है। बात करते हैं खालिद भट्ट नामी नौजवान की, जिसने अपने दो साथियों समेत स्विट्जरलैंड के एक बैंक पर कब्जा कर लिया है। अवाम में खालिद भट्ट के इस इकदाम को मिले जुले तासुरात का सामना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खालिद भट्ट, कौम की दुआएं इनके साथ है। आना तो चाहिए लेकिन लग नहीं रहा क्या, इनके क्या बाप का पैसा है क्या, पैसे हमारे बाप को कमाते हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं। क्यों नहीं आना चाहिए, वो यहीं का पैसा है, फिर बाहर चला जाएगा, लुटेरे तो हैं सब। खालिद भट्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खालिद को बोलो अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दिस इज पब्लिक मनी। हाँ बोलो। बड़े चौधरी बात कर रहा हूँ। अरे चौधरी साहब कैसे हैं आप? थोड़ा अपनी एडजर्मी और अपने साथियों से वो हथियार डाले और वापस आओ, और सिर्फ वही ज़्यादा करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे तुम। टाइम हम नहीं आप ज़ाया कर रहे हैं चौधरी साहब, वैसे भी आपकी इन बातों का असर हम पे तो नहीं होगा। आप तो सही हो गलत हो सबका साथ देते हैं, इस मसले पे हमारा भी साथ दे दें, शायद कौम खुश हो जाए आपसे। जिससे तुम्हारा पाला पड़ा है वो कोई आम आदमी नहीं है चौधरी साहब, ये रिवायत आज टूट जाएगी। पैसा तो हर कीमत पे वापस जाना है, आपको तो पता है, मैं एक दफ़ा सोच लूँ तो फिर मैं वही करता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने मतलब कोशिश की कि पैसा वापस आए लेकिन कामयाब नहीं हुए, तू भी अपनी हरदर्मी छोड़ वापस आ। चौधरी साहब दिस इज़ इनफ, अब तो मुझे यकीन हो गया कि आप नाकामी की जमानत हैं, क्योंकि तारीख गवाह है कि जिस मसले में आप पढ़ते हैं, जिस मजाकरात में आप शामिल होते हैं वो कभी कामयाब नहीं हुआ। इस फहरिस्त में आज एक और मसला डाल लीजिए सर, सो इस बैंक तो लुटेगा आज, कौम का पैसा वापस आएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बी फॉर पंगड़ा, मैं हां तुम्हारे नाल मोहसिन अब्बास हैदर, लेकिन आज बी फॉर पंगड़ा का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होएगा। सुबह दी पाकिस्तान च जड़ी खबर गरम है वो स्विस बैंक वाली खबर गरम है, उत्थे मिस्टर भट्ट अपने तीन दो साथियों नाल मौजूद ने, यानी कि उत्थे तीन लड़के इस वेले मौजूद ने, तो उन्होंने जोड़ा एजेंडा है वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानना चाहता है कि पैसे पाकिस्तान से वापस लिया जाए, हुक्मरानों ने लुटे हुए। एक काम करने हैं ना कि तुम सू कॉल करो 1111107, फिर तुम सू दसो कि उन्होंने तीन लड़कियों के इस मकसद को सपोर्ट करते हो या फिर अगेंस्ट जाते हो। ठीक है, स्टे ट्यून, साढ़े नाल रहियो, असं वापस आवेंगे इस गाने तो बाद। चलो चले मेरे हम सफर इनकलाब की राह पर, सुर्ख सवेरे की चाह में आओ चले सब मिलकर। आवाम का यही काम करना चाहिए कि उनकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करें। बस सब अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके साथ। Doing the right thing will definitely support it. जय खालिद भट्ट। यार देखो खालिद भट्ट है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। Best of luck. Should bring back the money here. वैसे लगता है जगह भर के लाए। हर पाकिस्तानी की तकदीर बदल जाएगी। खालिद भट्ट will support you.
Al-Qaeda terrorists alleged to have robbed the Union Bank of Switzerland. I'm standing right in front of Union Bank of Switzerland, Geneva. Gunshots have been heard, explosions have been heard. 50 people have been taken hostage over here. Khalid Bhatt, the great journalist, have taken hostage. 50 people. And his agenda over here is to get the money back to the people of Pakistan. The famous leader, MQM, Farooq Sattar Saad, is going to go and negotiate with Khalid Bhatt. What is Farooq bhai ke gun ko aim kiya aur goli chala di. Are, mujhe to pata hi nahi tha. Welcome to the Swiss Bank, Farooq. Welcome, Farooq saab. Bhai, aap to jante hain, hum mutawassit tabke ki jamaat se taluk rakhte hain. तो हमारे लिए ये जगहें माने नहीं रखती. देखिए भाई, आपने जो ये इकदाम उठाया है, राबिता कमेटी इसकी भरपूर तौर पे मुखालिफत करती है और इसीलिए आप लोग शराफत के साथ और नहायत ही ईमानदारी से अपना असलहा ज़मीन पर रख दीजिए बगैर एक पाई को हाथ लगाए और इस बैंक से बाहर निकल जाइए, वगरना MQM हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करती है. वो क्या है फारूक भाई कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई हुकूमत में रहे या ना रहे, वी डोंट केयर एक्चुअली. तो फिर ठीक है, अगर ये जो स्विस बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, अगर ये ज़िलाई हुकूमतों के बहाली के काम आ सकता है तो MQM आपका साथ निभाने के लिए तैयार है. हमें आपके साथ की ज़रूरत नहीं है फारूक साहब. हमारा कोई सियासी मकसद नहीं. ऐसी बात है तो लो भैया, हम चलते हैं. आप सबको पता होगा कि आज यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो ये डकैती की वारदात हो रही है, इसको डकैती कहना और इस किस्म के लोगों को डाकू कहना, अगर अंदर जाने वाले लोग बट और उसके साथ ही डाकू है तो जुल्फिकार मिर्जा भी डाकू है. जुल्फिकार मिर्जा रहमान मलिक के इस बात की तस्दीक नहीं करता, ये रिकॉर्ड पे है आप सबके सामने. ये शैतान मलिक उस पैसे को बचाना चाहता है जिसको हमारी कौम से लूट के यहां पे रखा हुआ है. और आप सबके सामने एक बात और कह दूं कि अगर ये अंदर जाने वाले लोग मेरी मदद चाहते हैं, मुझसे कोई कोऑपरेशन चाहते हैं, आई एम 100% रेडी. इस मकसद में मैं इनके साथ हूं और आप सब मेरी ये बात, आप अगले अपने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो ये बात बगैर एडिट के चलाएंगे. ये अंदर वाला पैसा लूट का पैसा है और अगर आप लोगों में से कोई भी मेरी बात पे कन्विंस ना हो, बाहर आके मुझसे मिले या यहीं पे सबके सामने सवाल किया, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ. आप में से कोई भी एनीवन तुम यू. हेलो सर. ओके, जैसा आप कहेंगे सर, वहीं ले लो. हेलो, टेस्टिंग 1 2 3. हवा जारी. देखो बात, मुझे पता है कि ये तुम एक समझदार इंसान हो. अगर तुमसे ये गलती हुई ना तो लाजमी इसके पीछे कोई वजह है. अगर तो वो वजह महबूबा है, अगर महबूबा तुमसे रोक गई तो मैं समझ सकता हूँ. जब महबूबा रोक जाती है तो इंसान जब बातें हो जाता है और ये कुछ भी कर सकता है. मुझे तुम अपना अंदर ले समझो. अगर तो ये तुमने हथियार डाल दिया तो तुम्हें पैसा दूंगा. तो अब हथियार फेंको, हम इनको पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे. और वैसे भी तुम्हारा यह कदम
जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जितनी देर मैंने तुमसे बात की है शायद ही कोई और आके बात करेगा, क्या कहते हो? बहुत जबरदस्त गिलानी साहब, जहाँ कौम और मुल्क की बात आती है आपकी जमहूरियत को खतरा लाहक हो जाता है। बहुत रो लिया आप जमहूरियत का रोना, कब तक आपकी जमहूरियत को खतरा होगा? और अगर इस काम से आपकी जमहूरियत को खतरा है तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट। आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए, और तकरीर भी बड़ी अच्छी करते हैं आप, बट अब अपने मौक़ से पीछे नहीं हटेंगे, माजरत चाहता हूँ आपसे। देखो मैं तो तुम्हारे अंदर होने के नाते सर इतनी देर तुमसे बात की, अब तुम अगर नहीं मानते हो तो ये अब मामला जो है मेरे हाथ से निकल सकता है, और अब इस मामले को रहमान पापा के मुझे बैंक का आईपी एड्रेस दो जल्दी। आईपी है 1964 साहब, हमें आपके साथ की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए आप सब हमारे मीडिया के हजरात सारे दोस्त हैं, आप सबके सामने सुबह से शाम हो गई है और वो लोग टच से मस नहीं हो रहे, और हमारे कितने नामी गिरामी जो है सियासतदान अंदर गए हैं, बात करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब गए हैं, अपोजिशन के लोग गए हैं, हमने जाके बात की है, फरूख सितार साहब टाइम निकाल के गए, लेकिन वो भट साहब हैं कि उनकी हठधर्मी ख़त्म नहीं हो रही। हमारी इतलात के मुताबिक कोई कम अज़ कम 150 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं जो नवादरात चोरी करना चाहते हैं और ये पैसा लूटना चाहते हैं। अगर ये पैसा ही चोरी करना है इनको तो एक ही शर्त है कि ये लोग बचेंगे, इनको आधा आधा कम से कम करना पड़ेगा, इससे कम सूरत नहीं है। इमरान मलिक साहब, असला किस नौयत का है उनके पास? तकरीबन मेरे भाई हर किस्म का असला मौजूद है, टैंकर उनके पास है, टैंक उनके पास है, एयरक्राफ्ट उनके पास है, 16 F-16 उनके पास है, उसके अलावा उनके पास बर्री बहरी और नीम फौजी दस्ते और फौजी दस्ते मौजूद हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैं तो यही चाहता हूँ कि हम मुफाहमत की बात करें, मुझे मुसलसल प्रेसिडेंसी से मुझे रब्ता हो रहा है और वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जबकि मैं कहता हूँ कि आमन की अपील करें और आगे मुजाकरात में बैठें, लेकिन ऑपरेशन अभी ना करें। ये देखिए सदर साहब का भी फ़ोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर देखो रहमान बाबा, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, जमहूरियत के अंदर अगर गोलियां चलने लगे तो ये अच्छी बात नहीं, इन लड़कों से मामला टेबल पर हल किए जाए, मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, इट्स एन ऑर्डर। सर मैं कहता हूँ लड़के बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहे हैं, इनको मार देते हैं सर, प्लीज़ सर, सर प्लीज़ देखें ना, ऐसा ना करें, मुफाहमत नहीं होगी सर, सर इट्स माई रिक्वेस्ट। जी थैंक यू। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ अपने मीडिया के भाइयों से ये कहना पड़ रहा है कि हम ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं, ये न्यूज़ में ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ पीछे हो जाएं। अगर आप लोगों में से इंशाल्लाह कोई सहाफ़ी मर गया तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं होगी, हम ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, हमने डिसाइड कर लिया है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल जी, दैट्स ऑल, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आखिरकार हुकूमत के सारे मज़ाकरात नाकाम होने के बाद अब हुकूमत इन तीनों नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन करने का तहैया कर चुकी है, और हुकूमत की तरफ से बैंक के अंदर कमांडोज उतारे जाने का हुक्म जारी कर दिया गया है।
प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स हैं, हमारे खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं बाहर जाना होगा पूरी दुनिया को बताना होगा हमारा मकसद क्या है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारा मफाद नहीं है, ये हम खालिसतन कौम के मफाद में काम कर रहे हैं। बल्कि मेरी नज़र में पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में कोई कौम के मफाद की बात कर रहा है। ये जो इस बैंक के अंदर पैसा है ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, इस कौम का पैसा है। अगर ये इस कौम का पैसा है तो उस स्विस बैंक में ये पैसा क्या कर रहा है? किसी के पास जवाब है? नहीं है। आप लोग अपने घर के ड्राइंग रूम्स में बैठ के रेवोल्यूशन की बातें करते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। कोई डू मोर की बात करता है, कोई हक्कानी नेटवर्क की बात करता है, मगर आज तक किसी ने ये पूछा कि स्विस बैंक में जो पाकिस्तान का पैसा है उसे वापस मिलना चाहिए। यहाँ लोग पेंशन की लाइनों में अपनी जान दे देते हैं, किसी के सर पे जूट तक नहीं रिंगती, और आप लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। कौन से रेवोल्यूशन है ये? आपको मेरे चेहरे से शायद मायूसी नजर आ रही हो, लेकिन मेरा दिल रोशन है। आप मेरे साथ नहीं भी हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मरने आए हैं, और अगर हम यहाँ मरेंगे तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी, इसकी जिम्मेदार ये कौम होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। आई विल गो बैक एंड आई विल फाइट फॉर माई कंट्री। ठीक तो है? सुबह से इस मुल्क में जो खबर गर्म थी वो आखिरकार ठंडी पड़ गई। स्विस बैंक रॉबरी केस में हुकूमत ने आखिरकार उन तीनों नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया। तमाम मुज़ाकरात
नाकाम होने के बाद उन तीनों नौजवानों का एजेंडा ये था कि वो चाहते थे इस स्विस बैंक में बड़ा हुक्मरानों का सारा पैसा पाकिस्तान में लाया जाए, जबकि हुकूमत को लगा कि ये तीनों नौजवान मुल्क की सालमियत के लिए एक ख़तरा हैं, बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए उन्होंने इस खतरे को जड़ से मिटा दिया। उस ऑपरेशन के नतीजे में अभी तक 2 लाशें बाहर लाई जा चुकी हैं। भट्ट साहब का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उनको ज़मीन निकल गई है, आसमान खा गया है, उनके बारे में कोई भी मुसद्दका इत्तला हम तक नहीं पहुंची अभी तक। जैसे जैसे ये केस खुलता शायद कोई अमल सामने आता। आवाम ने पूरा दिन इन तीनों नौजवानों का साथ दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई रिएक्शन आवाम की तरफ से भी देखने में नहीं आया। कैमरामैन अदनान के साथ साजिद, PNN। चाह में आओ चले सब मिलकर।